पार्टी होना एक कॉमन है फिल्म लाइन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम कल्चर जो है सुशांत के यहाँ भी फॉलो होता था, उनके यहाँ भी पार्टीज होती थी, पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी, ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं ना कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन में अब नए खुलासे हो रहे हैं। एनसीबी ने एक ड्रग पेडलर को दबोचा है, कुल मिलाकर दो ऐसे लोगों को पकड़ा है जिसे रिया के भाई शौविक ने इसी साल मार्च में 17 मार्च 2020 को 10,000 के ड्रग्स खरीदे। दिलचस्प यह है कि ड्रग्स खरीदने के लिए शौविक ने सुशांत के स्टाफ सैमुअल मिरांडा का इस्तेमाल किया था। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। रहस्य सुशांत की मौत का और खुलासा ड्रग्स के सौदागरों का। सीबीआई, ईडी और एनसीबी तफ्तीश कर रहे हैं 14 जून को सुशांत की मौत की और निकल रहा है रिया के भाई शौविक के नशे के धंधे का पर्चा। सुशांत की रहस्यमय मौत के मामले में सबसे पहली गिरफ्तारी ड्रग तस्करों की हुई है। ये ड्रग जाल कैसे बांद्रा की गलियों में बेलगाम चल रहा था, जाँच का पहला पड़ाव सामने आ चुका है। क्या अब भी रिया और शौविक ड्रग कनेक्शन से पल्ला झाड़ पाएंगे? 17 मार्च 2020 को शौविक के कहने पर सैमुअल मिरांडा ने ड्रग की डिलीवरी ली। सैमुअल ने जैद को 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए दिए थे। शौविक को जैद का नंबर बासित ने दिया था। शौविक और बासित पहले से दोस्त थे। अब जैद और बासित दोनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में हैं। जैद का बयान ही नहीं, रिया और शौविक के ड्रग्स कनेक्शन के और भी सबूत है। रिया और शौविक के ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप चैट भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं। मार्च के महीने में 2020 में ही ड्रग्स को लेकर साफ बातचीत व्हाट्सएप पर सामने आई थी। इसके साथ ही श्रुति मोदी के वकील का बयान भी रिया एंड फैमिली के नशा कंपनी का खुलासा करता है। पार्टी होना एक कॉमन है फिल्म लाइन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम कल्चर जो है सुशांत के यहाँ भी फॉलो होता था, उनके यहाँ भी पार्टीज होती थी, पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी, ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं ना कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। ड्रग्स के धंधे की परतें खुलने के साथ ही अब कई सवाल उठ रहे हैं। रिया ने पहले ही सुशांत पर एक तरफा ड्रग्स के इस्तेमाल का आरोप लगा दिया था। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। लेकिन जब उसे खुद के चैट में ड्रग्स लेने की बात पर सवाल पूछा गया तो साफ मुकर गई। I have never taken any drugs. You tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. अब सवाल ये है कि क्या अपने दावे के अनुसार रिया एक तरफ सुशांत का मानसिक इलाज भी करा रही थी और दूसरी तरफ ड्रग्स खरीदा जा रहा था? क्या ये सुशांत की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं? सुशांत पर रिया ने ड्रग्स लेने का आरोप लगाया था लेकिन खुद ड्रग्स लेने के सवाल से साफ मुकर गई थी। अब ड्रग तस्कर एनसीबी की गिरफ्त में है और उगल रहे हैं सच, और रिया का भाई ड्रग्स रैकेट में बुरी तरह फंस चुका है। जी हाँ, रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती अब ड्रग्स के कारोबार के आरोपों के बीच फंस चुका है और मार्च की उसकी ड्रग शॉपिंग अब ले डूबने के कगार पर है। मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये ड्रग्स कनेक्शन और इसी एंगल पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोई भी इसका एंगल कम से कम इस एक घंटे के बहस में नहीं छूटेगा। सचिन सावंत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं। श्रेया नारायण, एक्टर हमारे साथ जुड़ रही है। रोशन बिंदर हमारे साथ डायरेक्टर और दोस्त एसएसआर की जुड़ रही है। मानवी तनेजा मॉडल जुड़ रही है हमारे साथ दिल्ली से। ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ेंगी। धनराज वंजारी साहब फॉर्मर एसीपी हैं मुंबई पुलिस के। नासिर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ एक्टर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सायरा शाह हलीम जो कि एक्टिविस्ट हैं वो जुड़ रही हैं। डॉक्टर रामन लांबा हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं। सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हुए सचिन सावंत जी, ये मुंबई की गलियों में बांद्रा में इस तरह से ड्रग्स का रैकेट चल रहा था, ये सीबीआई के केस दर्ज करने के बाद एनसीबी की जांच में शामिल होने के बाद ही क्यों आ रहा है? कि आप लोगों ने जानबूझकर अभी तक आंखें मूंद कर रखी थी?
नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इसके बारे में तो जो जांच की मांग जो है ये हमने भी की थी, आपको याद होगा मैंने खुद ये मामला उठाया था, और इसके बारे में जितने तो भी संदीप सिंह मुंबई से जुड़े पुलिस जो की मामले गलती है, सुनिए फिर मुंबई पुलिस ने ये खेल किया जी। सर, कोई तो जिम्मेदार देखिए होगा ना, हमने हमें जांच की मांग की थी, क्या होता देखिए है? अगर आप अगर अगर सरकार हैं अंजना जी, साहब, अंजना जी, आप सरकार हैं। अंजना जी, अंजना जी, अगर ये सवाल है तो ये भारतीय जनता पार्टी से पूछने चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप के चैट 2017 से हैं वो जो दिखाई दे रहे हैं, और जो संदीप सिंह का नाम आ रहा है उसके कार्यक्रम में तत्कालीन गृह मंत्री जाते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं, क्या इसके बारे में जांच का आदेश उनको देने नहीं चाहिए थे? किस तरह से व्हाट्सएप के ऊपर ड्रग मंगाए जा रहे थे, तो इसका भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए अब था। अभी जांच हम कौन तो जब करा आए रहा तब है? से कोविड के अभी चक्कर में लगे एनसीबी हुए जांच कर रहा है ना हैं, तो सचिन ये तो सावंत? दो पांच जो साल सवाल मुझे प्रेम निश्चित शुक्ला तौर से पर। पूछना है मैं और ये पूछूंगी, ये मार्च 2017 की भी बात है, देखिए गौरव अंजना आर्या से जी, मैं पूछूंगी, लेकिन अपनी अपनी देखिए जवाबदेही अंजना से जी, पल्ला मत झाड़िए, बताइए देखिए क्या नहीं कर नहीं रहे नहीं थे आप लोग? मैं ये मुंबई पुलिस ने क्यों आंखें बंद देखिए कर अंजना रखी जी, थी? क्या इसी खुलासे के डर से आप ऐसे लोग कैसे सीबीआई आकर को जांच देखिए नहीं जाने अंजना देना जी, चाहते थे? पहले तो एक बात समझ लीजिए, ये मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन था, मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन रुका कौन नहीं से था, पेडलर खत्म को नहीं पकड़ा हुआ था, 65 दिन वो में? तो सीबीआई के पास चला कौन गया। से ये पेडलर बात को तो भारतीय पकड़ा जनता पार्टी 65 की दिन इच्छा में? थी, इसको दबाने की कोशिश मेरे हो रही थी, सवाल का सुनिए जवाब सुनिए दीजिए, सुनिए कौन अंजना से जी, मुझे पेडलर अगर को वक्त पकड़ा देंगे तो 65 नहीं दिन चलेगा, में? कौन से पेडलर देखिए को मुझे पकड़ा वक्त पैंसठ देंगे तो दिन मैं में? बता पाऊंगा, नहीं वक्त देंगे तो मेरी बात नहीं जाएगी, आप अगर मेरी बात नहीं पहुंचाना चाहती तो अच्छी बात है। आप सवाल का जवाब दीजिए, कौन से पेडलर को पकड़ा सर 65 दिन में? यहां 7 दिन के अंदर एनसीबी देखिए ने दो लोगों को वही पकड़ चाहता लिया है। हूं, देखिए इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एंगल है, आप समझिए बात को, और वही हम लोग उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। संदीप सिंह का नाता किससे है? भारतीय जनता पार्टी से, कि संदीप सिंह ने 53 कॉल कहां किए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में किए। संदीप सिंह का किस तरह से 177 करोड़ का उसको जो एमओयू साइन किया गुजरात गवर्नमेंट, वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, किस तरह से उसको मैं बचाया आपसे गया ड्रग 2018 पेडलर के पे सवाल मॉरीशस के क्रैश पूछूंगी में, तो आप संदीप आज सिंह के को लाएंगे? परिस्थिति में गोवा में मिस्टर जो सावंत, कनेक्शन साबित हो रहा है भारतीय मिस्टर जनता पार्टी का सावंत, कनेक्शन हो रहा है, भारतीय जनता मैं पार्टी आपसे का कैंपेन ड्रग उसमें पेडलर शामिल पे है। सवाल पूछूंगी तो आप संदीप सिंह को लाएंगे? क्या आप कह रहे हैं कि संदीप सिंह ड्रग्स करते अरे का वो कारोबार चलाते आरोपी थे? है, सुनिए सुनिए, वो आरोपी नहीं है क्या संदीप सिंह? क्या ड्रग्स का कोई आरोप लगा है क्या? बताइए और ये 5 साल बताइए सचिन से जब सावंत, बताइए सरकार थी भारतीय जनता सचिन पार्टी की, सावंत, ये आज ड्रग मैं पेडलर के बहस साथ को में बहकने एक नहीं कार्यक्रम दूंगी, में तत्कालीन गृह मंत्री आज मैं शरीफ बहस होते को हैं, नहीं जवाब बहकने नहीं पूछेंगे दूंगी। आप भारतीय बताइए जनता पहले पार्टी से, आप जवाब नहीं पूछ रही हो ड्रग्स के उनके क्या कनेक्शन कनेक्शन पर है ड्रग आपने माफिया आज के तक साथ क्या में, सामने किया? किस तरह से ये गवर्नमेंट का पैसा वीड खरीदने के लिए जा रहा है, मैं फिर इसका तो पूछ जवाब रही हूं पूछना आपसे, चाहिए ना। ड्रग्स गोवा के भारतीय रैकेट जनता पर पार्टी आपकी किस जांच तरह से कहां पूरे पहुंची ड्रग थी कनेक्शन में बताइए? लगी हुई एक है, नाम बता दीजिए सर, एक नाम बता दीजिए, आपको 1 घंटे का टाइम देती हूं, एक व्यक्ति जिससे जी जी पूछताछ की हो मुंबई पुलिस ने या फिर ड्रग्स के रैकेट को पकड़ने की कोशिश देखिए की ये हो, एक पहली घंटे का चीजें वक्त है समझिए आपके बात पास? तो पहले पहले नहीं नहीं अजय राजे, ये ध्यान रखिए, सुशांत सिंह राजपूत के या जी जो जांच हो रही थी उसके मृत्यु के कारण की, ये मुंबई पुलिस का आयाम था, जिसके बारे में आज सीबीआई ने खुद कहा है कि उसके बारे में कोई कोताही नहीं बरती गई है, और उसमें कोई भी जिस तरह से उसका मर्डर का चार्ज है स्टैब्लिश नहीं हो रहा, या आपको कहा है, आपके चैनल को कहा है, हमने नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने कहा है, मुंबई पुलिस ने जांच की, वो अच्छी जांच की है, कोई उसमें आक्षेप नहीं है, तो अगर ये आंखें बंद बात कर है ली और थी ड्रग्स के रैकेट था, पर तो कभी ना कभी तो मुंबई स्वीकारिए पहुंचती, जैसा प्रेम शुक्ला जी आप लोगों ने बंद कर रखी थी, ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे की सरकार आ गई उसके बाद से ये ड्रग्स का रैकेट चल पड़ा, ये रैकेट वर्षों से चल रहा है बॉलीवुड में, और सबने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से आंखें बंद करके रखी होंगी ना, तभी तो ये चल रहा था इस तरह से। नहीं, निश्चित तौर पर ड्रग्स का जिस तरह का रैकेट और जिस तरह से सुशांत के श्रुति मोदी के वकील सराउगी जिस तरह से कह रहे हैं कि वहां तो कॉमन है, ये इस बात का सीधा सीधा संकेत है कि तो आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया था सर, आप लोगों ने अच्छा, कुछ क्यों नहीं किया था अभी तक? नहीं, अच्छा अच्छा प्रश्न आपको उत्तर देता हूँ। देखिए, एंटी नार्कोटिक सेल मुंबई पुलिस के पास है, और जब आपके पास सुशांत सिंह राजपूत का केस आया तब तो आपके पास अवसर था कि इस ड्रग्स रैकेट को जो है आप उजागर करते। 1980 के दशक के बाद राहुल रायसूर आखिरी डीसीपी थे जब ड्रग्स की केस की बड़ी हॉल जो है बड़ा बड़ी बरामदगी जो है वो मुंबई में हुई थी, फुटबॉल खेलते रहे मुंबई पुलिस, वो आपकी तरफ गोल मारे आप उनकी तरफ गोल मारिए, मैं इधर ये सेल्फ गोल हो रहा है सर, मैं बता रही हूँ ना आपको, भाजपा कह रहे नहीं नहीं अंजना जी, अरे वो संदीप सिंह के कार्यक्रम में की तरह कच्ची बात नहीं करता, ड्रग के लिए लगा हुआ है उसका आरोप आ रहा है उसकी तरह कच्ची बात नहीं करता, मुंबई पुलिस अपनी जिम्मेदारी में विफल रही है इसको स्वीकारना पड़ेगा, कार्यकाल चाहे अरे कैसे से बोल रही है भैया, हम लोगों को तो इन्वेस्टिगेशन करने ही नहीं दिया आपने, आप तो बचाने की कोशिश कर रहे थे वो संदीप सिंह को, 65 दिन क्या कर रहे थे मिस्टर सावंत? तो निश्चित तौर पर करते ना,
हमारा इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं था मुंबई पुलिस का, जिस तरह से मुंबई पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की अंजना जी आपके सामने है। अपनी बारी में बोलिए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी बचाने की कोशिश कर रही है ऐसा आरोप बीजेपी कर रही थी, उसका नाम तक दिया नहीं गया। प्रेम शुक्ला जी बदनाम किया मुंबई पुलिस को, ये भी आपके सामने। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद चुकी देश भर में आपने भावनाएं देखी, इसलिए आपको ऐसे वक्त पर एक्टिव होता हुआ देखा जा रहा है, वरना आंखें तो आप लोगों ने भी बंद कर रखी थी इतने सालों तक। ऐसा थोड़ी है कि वहां पर सिर्फ इन्हीं की सरकार चल रही थी। नहीं, अच्छी बात आप करें, भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्षों तक सरकार चली, सो मुंबई पुलिस ने कोई बड़ी बरामदगी नहीं की, इसलिए दायित्व तो उसका भी जाएगा। लेकिन 1990 के बाद कोई बड़ी बरामदगी नहीं हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है? कॉल किसको किए वो बताओ, ट्रिपल कॉल की नार्कोटिक सेल है कि नहीं है? मान्यता नहीं जा अंजना जी, इनको पूछिए वो ट्रिपल कॉल किस नेता को भारतीय जनता पार्टी का किए थे, संदीप सिंह ने। अरे संदीप सिंह पर अलग से मीटिंग बहस कर लीजिएगा। सचिन सावंत, आज मैं ड्रग्स कनेक्शन पर चर्चा कर रही हूँ, संदीप सिंह पे अलग से बहस कर लीजिएगा। संदीप सिंह से आगे बढ़िए, वो संदीप सिंह के आरोप ड्रग्स के हैं। समझने नहीं आ रहा जी ये क्या तरीका है। आप लगता है बहुत सारे चैनल देख के कंफ्यूज हो गए हैं। सचिन सावंत जी, ड्रग्स कनेक्शन शौविक चक्रवर्ती पर सीधा शिकंजा कस रहा है, दो पेडलर्स पकड़े गए हैं जिन्होंने सीबीआई से ही खुल के आए हैं। एक सेकंड मैं आ रही हूँ, मानवी तनेजा। आपने 2 महीने तक तो कुछ नहीं किया, 2 महीने तक तो एक एफआईआर करी नहीं। मानवी तनेजा मैं ये कहना चाहती हूँ, 2 महीने तक इन्होंने एफआईआर तक तो करी नहीं है, एफआईआर नहीं हुई है, उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी हुई है, सीबीआई की इंक्वायरी करने नहीं दे रहे थे, कहते सीबीआई आएगी तो क्वारंटाइन कर देंगे, जो भी पूछताछ करने आ रहा था ये कह रहे थे क्वारंटाइन कर देंगे। अब सीबीआई आई है, सीबीआई ने इंक्वायरी करी है, सीबीआई ने 2-3 दिन में ही खुलासा करना शुरू कर दिया और अब ड्रग पेडलर्स को पकड़ना शुरू कर दिया, उनसे इंक्वायरी करनी शुरू कर दी। गौरव आ रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रही है बहुत, इन्होंने 2 महीने का टाइम दिया था, कुछ भी नहीं किया 2 महीने इन्होंने, धनराज बंजारी साहब एसीपी है मुंबई पुलिस के रिटायर्ड। अच्छा, वो जुड़े नहीं है, चलिए सावंत जी जवाब दीजिए। समझ लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बारे में जो गुत्थी थी, आप ही के चैनल ने बताया कि सीबीआई ने कहा है कि उसका मृत्यु जो है वो सुसाइड है, उनको कोई अभी तक जवाब नहीं मिला है, इसके बारे में पुख्ता सबूत नहीं मिले। जहां तक बात है फिर ड्रग कनेक्शन की, ये कनेक्शन और बॉलीवुड का नाता अलग है, ये केस क्या इससे जुड़ा है? मैं बिल्कुल मानती नहीं हूं कि ये सुसाइड है, नहीं वहां पे कोई एविडेंस नहीं बता रहे ना आप, जिस तरह से बताएंगे मालवी जी। मैं तो खुद अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ मालवी जी, सुनिए बात को, ये तो आपके चैनल बता रहे, मैं नहीं बता रहा हूँ, हमें कोई लेना देना नहीं। अभी सीबीआई जांच करे, सत्य के सत्य उजागर करे, किस तरह से चिल्ला रही है मालवी जी, हमारा कोई संबंध नहीं इससे, हमारा मालवी जी सुनिए तो सही, कितना चिल्ला रही है सचिन मुझे आप। 2017 की चैट है, इससे पहले रिया ने कुछ भी नहीं करा, लेकिन जब रिया को पता लगा कि उसके नाम पे संबंध इशू होने वाले हैं, वो फट से बोल पड़ी कि मैं नहीं लेती थी ड्रग्स, सुशांत लेता था ड्रग्स। श्रुति मोदी का भी यही सीन हुआ, सीधा उसके वकील ने बोला कि श्रुति मोदी को ड्रग्स नहीं लेती थी, जबकि श्रुति मोदी एक चैट ग्रुप में थी। ड्रग्स लेना और ड्रग्स को सप्लाई होते हुए देखना, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, उससे क्यों नहीं बताया, उससे क्यों नहीं बताया श्रुति मोदी ने, जब ड्रग्स चैट में ऐड हुई हुई है, तो ये आप लोगों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था ना। अब सीबीआई क्या था, सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो आपके उसको जवाब नहीं है देने के लिए। सुनो बात को, ईडी का कोई तरह से ईडी की इंक्वायरी हुई, उसके बारे में कुछ नहीं निकला, सीबीआई ने अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं की है, ये क्यों नहीं की, इसका जवाब पूछना चाहिए हम लोगों को। तीसरा चीज बात है कि नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को अभी लाया गया है, इसके बारे में कानून देख लीजिए कि अगर आपके पास अगर ड्रग नहीं है, देखो रिया किस तरह से फायदा उठा रही है, जिस तरह से जो चीजें सामने लेके आ रही है, लीक की जा रही है, उसका फायदा ऐसे गुनहगारों को मिल रहा है जो उसमें साजिश में शामिल हो सकते हैं। एक एक करके प्लीज, मैं रमन अम्मा को बताना चाहती हूँ, रमन अम्मा रमन अम्मा ये सच है, नहीं मिला ये सच है कि सीबीआई ने अभी तक जिस तरह से वो आगे जांच ले जा रही है, एक सेकंड सर, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सीधे शौविक के संपर्क में रहे दो पेडलर्स को पकड़ना, जैद और बासित, हम दोनों का दिखा रहे हैं, चेहरा भी दिखा रहे हैं उनके चेहरे और उनकी तस्वीर दिखाइए। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर कोई वाकई जैसा कि दावा कर रही है रिया चक्रवर्ती कि मानसिक रूप से परेशान था और उसका इलाज चल रहा था, ऐसे व्यक्ति के लिए ड्रग्स का भी इंतजाम करना, और वो भी शौविक चक्रवर्ती, अगर इसी साल 17 मार्च को ड्रग्स की डिलीवरी हुई है सैमुअल मिरांडा को, जो कि शौविक के बेहस पर गया था ड्रग्स कलेक्ट करने, ये क्या बताता है? क्या किसी ऐसे पेशेंट को ड्रग्स भी साथ में देना,
एक जबरदस्त खिलवाड़ नहीं है उसकी सेहत के साथ? बिल्कुल, अगर एक बंदा लाइक दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन में था और दूसरी तरफ से वो कह रहे हो कि वो ड्रग्स में अरेंज है, तो ये टोटली एक हैम्परिंग ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द ब्रेन है और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। एंड डेफिनेटली जब एक इंसान इतने डिप्रेशन में है तो वो इंटेंशनली तो ड्रग्स में जाएगा ही नहीं। तो डेफिनेटली एक प्रॉबली एक सेटअप एजेंडा हो सकता है व्हाट वी कैन से, बिकॉज वो लोग खुद इसमें इन्वॉल्व होंगे प्रॉबली, एंड दैट्स व्हाई दिस वाज ये ऐसे प्रोजेक्ट किया गया था। नासिर अब्दुल्ला साहब, समझ रहे हैं आप? जी, रमन लांबा जी थेरेपिस्ट है और वो बता रही हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं एक ही इंटरव्यू में कि वो साइकाइट्रिस्ट की मदद ले रहा था, आप उसको ले जा रही थी, वो दवाएं खा रहा था, और दूसरी तरफ ड्रग्स आप दे रहे थे, ड्रग्स का इंतजाम कर रहे थे, ये खिलवाड़ है किसी की मानसिक सेहत के साथ? रमन लांबा जी ठीक कह रही हैं, क्योंकि ऐसे हालात में दूसरे कोई ड्रग्स भी लेना बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं और जो प्रॉब्लम है दुगने या फिर तिगने हो सकते हैं। उनके डॉक्टर ने उनको कहा था, डॉक्टर जो केरसी थे उनका स्टेटमेंट है कि उन्होंने राजपूत साहब को कहा था कि बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो मेडिकेशन है उसको कंटिन्यू रखें, वरना बहुत बुरे हालात हो सकते हैं, क्योंकि मेडिकेशन का पूरा कोर्स होना होता है, महीनों चलता है ये। तो शी इज वेरी राइट, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सारे यहाँ पे जो इकट्ठे हैं हमारे सब एडल्ट लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, कि असल बात ये है कि ये ढूंढना है, ये मालूमात एक्चुअली करनी है कि ये जो हादसा हुआ वॉज इट अ होमसाइड, अ मर्डर और अ सुइसाइड, असल चीज ये है। अनफॉर्चुनेटली वजह से मिस्टर नासिर अब्दुल्ला भूल रहे कुछ, आप रोज मेरे साथ डिबेट पे पढ़ रहे हैं कि आपने पिता की एफआईआर पढ़ी है, आप रोज मेरे साथ डिबेट पे बैठ रहे हैं, फैमिली ने क्या अलेज किया है सर, आप ही की बात पे काउंटर पॉइंट है सर, काउंटर पॉइंट है। मैं अंजना ओम कश्यप स्टूडियो से बोल रही हूँ, एंकर हूँ, इतना तो बनता है सर एक सवाल आपसे पूछ सकूं सर, ओरिजिनल एफआईआर में पिता ने यही कहा है कि उनको ओवरडोज दिया जा रहा था, वो एंग्जाइटी से जूझ रहे थे। आप लोग मुझे बोलने नहीं देते, अरे सर आप ही से काउंटर क्वेश्चन है, इतना इरिटेट ना हो। पूरे हिंदुस्तान में ड्रग्स हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि इसलिए के ये जो केस से रिलेटेड है, इसलिए बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को जूतियां पड़ रही हैं, हर इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, सब जगह लेते हैं ड्रग्स, ये बात फैक्ट है। लेकिन क्योंकि ये हादसा हुआ है इनके साथ और ड्रग्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए बात इतनी लंबी पड़ गई है और ड्रग्स वालों पर भारी पड़ गई है, ये मैं मानता हूं। लेकिन बात हमेशा याद रखिएगा, बॉम्बे एंड बॉलीवुड ही नहीं एक ऐसी जगह है जहां पे ड्रग्स होते हैं, हर जगह से बोले हैं इस्तेमाल, क्या उनके बाद में दम है? पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन, क्या इसकी आड़ में बदनाम किया जा रहा है बॉलीवुड को? जो भी आता है, नहीं नहीं, ये जो करनी सेना, ठीक है, आपको एक सेकंड टोक रही हूँ सर, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें आज तक के पास तीनों बहनों का दर्ज बयान है, जो उन्होंने मुंबई पुलिस को अपना बयान दिया था वो पूरा बयान हमारे पास है। लॉकडाउन में बोर और मायूस हो गए थे सुशांत, ये उन्होंने बताया है, लॉकडाउन की वजह से वो परेशान हो गए थे, 2013 से मनोचिकित्सक से इलाज करा रहे थे सुशांत, ये उनकी बहनों ने मुंबई पुलिस को अपने बयान में कहा था। 2013 में उन्हें एक साइकाइट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ी थी, मनोचिकित्सक की मदद लेनी पड़ी थी, ये तमाम जानकारियां उन्होंने दी है। और याद रखिए यही वो बात है 2013 की जिसका जिक्र रिया चक्रवर्ती ने भी आज तक से इंटरव्यू में कहा था कि 2013 में एक बार उन्हें इस तरह से परेशानी हुई थी और उन्होंने मनोचिकित्सक का सहारा लिया था 2013 में। ये जैसे ही और डिटेल्स आते हैं हम इस पर लेंगे, लेकिन क्या श्रेया नारायण जी जो कह रहे हैं नासिर अब्दुल्ला साहब उसमें दम है, वो कह रहे हैं कि इस आड़ में सिर्फ बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है कि वो ड्रग्स का रैकेट वहां चलता है? ये सच है कि इंडिया में कहीं पे भी आप चले जाइए आपको ड्रग्स आराम से मिल जाएगा, तो क्यों, कैसे मिल जाएगा? अगर 5 मिनट के अंदर आप किसी पेडलर को कॉन्टैक्ट कर पाते हैं और ड्रग्स स्कोर कर पाते हैं तो इसका मतलब ये पूरे देश की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं सचिन सावंत जी को बोलना चाहूंगी कि उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा वो हमें कानून सिखा रहे थे,
सबसे पहले मिस्टर सचिन सावंत, 174 सीआरपीसी के हिसाब से जब आप यूडी अननेचुरल डेथ रजिस्टर करते हैं उसको आप 24 आवर्स में एफआईआर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपने सबसे पहले नहीं किया। उसके बाद हमें इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में थैंकफुली उससे पहले ईडी आई, अगर ईडी नहीं आती तो ये ड्रग कनेक्शन जो है, ये जितने भी व्हाट्सएप चैट जो ड्रग्स की तरफ पॉइंट कर रहे थे वो नहीं निकलते और ना ही एनसीबी इसके अंदर आती। तो एक से एक गुत्थी जुड़ती गई है। और आपने, आप जो गवर्नमेंट में हैं, आप मुंबई पुलिस को जिसको स्कॉटलैंड यार्ड के बराबर बता रहे हैं, वो ये सारी चीजें मुंबई पुलिस के नाक के नीचे हो रही थी। तो क्या आप कहना चाहते हैं अब ये कहके कि भैया हमें कानून नहीं पता, हमें सारी कानून पता है, आप अपना काम करने शुरू कर रहे थे, नहीं किया? ठीक है, बंजारी साहब भी आ गए हैं, जल्दी से बंजारी साहब से कमेंट लेते हैं। बंजारी साहब, मुंबई पुलिस ने आंखें क्यों बंद रखी थी इस पूरे ड्रग्स एंगल पर? अभी तक ये सवाल हर कोई पूछ रहा है जिस पैनल में। थोड़ी लाइट बढ़ाइए सर, आपके चेहरे पे लाइट बहुत कम आ रही है, लाइट बढ़ाइए, बताइए, जवाब दीजिए। सब कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने आंखें क्यों बंद कर रखी थी, क्या इसीलिए डर रहे थे कि सीबीआई को केस ना जाए? मुंबई पुलिस के पास में बेसिकली ड्रग की केस इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं थी। मुंबई पुलिस जो तहकीकात बीच में कर रही थी, बम्बई पुलिस ने अपने तहकीकात का रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिया है, किसी चैनल के पास में नहीं दिया। अब ये बात कहना कि मुंबई पुलिस आंख बंद कर रही थी, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर जो मामला सामने आता, मुंबई पुलिस जरूर उसकी तहकीकात करती और मुंबई पुलिस ने तहकीकात करी है। अगर कोई चैनल पे ये कहने की जरूरत करता है कि आप सेकंड हो वर्ल्ड में और नाक के नीचे और हाथ के नीचे मुंबई पुलिस के बारे में प्रिजुडाइस रखकर बात करने वाले अपनी जबान को लगाम दे और ये समझे कि अगर मुंबई पुलिस ने गलत किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बताना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बताता है, चलो तुम्हारी चैनल का ट्रायल हो जाए। मेरे पास तुम्हारे लिए एग्जाम्पल है, यह मुंबई की पुलिस है, अपनी जिम्मेदारी लेके चलती है। तेलगी में हमारे कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर अरेस्ट हुए हैं और उसके बाद में बाइज्जत बरी हुई है। ये जायद विलाप्रा और ये अब्दुल बासित परिहार बांद्रा और बांद्रा वेस्ट में थे, ये कैसे नहीं पता चल रहा था? ठीक है, आप मानवी तनेजा और इनको दिखाइए साथ में। बांद्रा पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी करने मैं ये पूछना चाहती हूँ, इम्तियाज खत्री को बांद्रा पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था 10 दिन के बाद जब सुशांत की डेथ हुई थी, वो रिकॉर्ड्स में नहीं आया, इंक्वायरी हुई कोई रिकॉर्ड्स में नहीं आया। काफी देर तक उसे इंक्वायरी करी और ये पता लगा कि उसको एक पॉलिटिकल कॉल आई थी कि छोड़ दो, तो तब जाकर के छोड़ दिया और कोई रिकॉर्ड्स कैप्चर नहीं हुआ। इस चीज का क्या जवाब दोगे आप? अब सीबीआई आई है तो दोबारा हो रहा सब कुछ, लेकिन जब पहले इंक्वायरी के लिए आया था आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी, आपने एफआईआर क्यों नहीं करा, आपने छोड़ दिया उसको इंक्वायरी के लिए बुलाया, हाले तक रिकॉर्ड में भी नहीं है ये बात कि उसको इंक्वायरी तक के लिए बुलाया। नासिर अब्दुल्ला साहब, ये बात से मैं सहमत हूँ। अगर ये कह रहे ऐसा हो गया है, वो आज के आज अभी के अभी चले जाए सीबीआई दफ्तर में अपनी जबानी दे दे और जो भी बम्बई पुलिस का ऑफिसर होगा अगर कसूरवार पाया जाएगा तो अरेस्ट होगा। ये चैनल पे बड़बड़ाने से आप सीबीआई के ऑफिस में जाके बम्बई पुलिस के खिलाफ अपने आप मुझे बताइए, ये एक हमारी जनता, ये हमारी भारत का काम नहीं है, ये सब कुछ करने का सीधी सी बात है, ये भारत का काम नहीं है, ये पुलिस का काम है, जो पुलिस का काम सही है कि नहीं, वो भारत के ऊपर आदेश किया जा रहा है। आपके पास में अगर सबूत है कि बम्बई पुलिस ने ये गलत काम किया है, आप सीधे सीबीआई कार्यालय में चले जाइए, यहाँ बड़बड़ाइए मत, चैनल के ऊपर जज मत बनिए। डोंट बी, डोंट ट्राई टू बी जज ऑन चैनल, डोंट ट्राई टू बी जज ऑन चैनल। माई रिक्वेस्ट मैडम, माई रिक्वेस्ट, डोंट ट्राई टू बी जज ऑन चैनल, डोंट ट्राई टू बी सीबीआई डायरेक्टर ऑन चैनल। यू आर नॉट सीबीआई डायरेक्टर, यू आर नॉट जज, यू आर नॉट सीबीआई डायरेक्टर, यू आर नॉट जज। आप सीबीआई के ऑफिस में जाके मुंबई पुलिस के खिलाफ स्टेटमेंट दे दीजिए। मेरा तुमको खुला चैलेंज है, आई एम चैलेंजिंग यू, आई एम चैलेंजिंग यू, यू गो टू सीबीआई, यू गो टू सीबीआई। धनराज जी, मुंबई पुलिस के अफसर ने ये गलत किया है। धनराज जी, तुम्हारे जैसी चिल्लम चिल्ली करने में भरोसा नहीं है मेरे को। मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे धनराज जी, आपका कानून कहाँ गया था जब 65 दिन तक मुंबई पुलिस जांच कर रही थी? ये बात और किसी पैनलिस्ट के लिए ये बड़बड़ाना जैसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए।
वो लोग आकर ये कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि वे रेडी टू फेस इवन अरेस्ट, जो कसूर और ऑफिसर होगा उसको सजा होनी चाहिए। यहाँ बैठ के बेकार की ताने क्या मारते हो? सीबीआई ऑफिस जाके पूछ लीजिए, बोले कि मुंबई पुलिस को अरेस्ट करे। कानून कहाँ गया था आप मुझे पूछते हैं? कानून कहीं नहीं जाता, संविधान कहीं नहीं जाता, सब अपनी जगह। अगर वो गिल्ट नहीं है, अगर वो सच्ची है एक्चुअल में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। मैं वही कह रहा हूँ कि आप सीबीआई के डायरेक्टर तो नहीं है। सच और झूठ का फैसला करने के लिए आप कोर्ट में न्यायाधीश तो नहीं है? पर वो तो चुप करके बैठ गई। सच और झूठ का फैसला करने वाले कोर्ट में न्यायाधीश तो नहीं है? ठीक है, एक साथ चीखने पे किसी की आवाज नहीं जाएगी। धनराज साहब, देखिए आप फॉर्मर ऑफिसर हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये समझिए जिसे आप बड़बड़ाना कह रहे हैं, यही वो आवाज है जो एक साथ पूरे भारत में गई और उसके बाद से सीबीआई तक ये केस गया है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये ड्रग रैकेट कुछ ही दिनों में, जिसके सीधे रिया के भाई शौविक के साथ लिंक्स है, आप इसकी गंभीरता क्यों नहीं समझ रहे हैं? ड्रग्स की डिलीवरी हुई है मार्च के महीने में, सैमुअल मिरांडा ने लिया है। मिस्टर धनराज, आप सुनेंगे मुझे और क्लेम सुनेंगे मुझे, ड्रग्स की डिलीवरी हुई है लॉकडाउन में, लोगों को खाने के लिए नहीं था, लोग मर रहे थे। नासिर अब्दुल्ला, रोशन बिंदर भी जुड़ गई है हमारे साथ, पहले नासिर अब्दुल्ला और इनको दिखाइए, मानवी को रखिए। अरे ये रैकेट देखिए ना सर, ये रैकेट नासिर अब्दुल्ला साहब, मैं ये कह रहा था कि लॉकडाउन में शुरुआत में जरा मैं ये यहाँ शुरुआत में क्या हुआ था ये बात आप जो है याद रखें। हाँ। कि बॉम्बे पुलिस वालों ने हाँ। गलती की थी या नहीं की थी, जान के गलती की थी, क्योंकि ये कि कंगना रनौत ने नेपोटिज्म और मतलब ये जो कंगना रनौत मुंबई पुलिस की हेड हो गई है क्या इन्वेस्टिगेशन? नहीं, आप बात ही नहीं समझ रहे। शुरुआत उनसे हुई थी, पुलिस वालों ने पहले उनके कहने पर संजय लीला बंसाली से बात की, उन्होंने जान के तफ्तीश ठीक से नहीं की, शुरुआत ऐसे हुई थी। बाद में अब नया ये सिलसिला आया है ड्रग्स का, ड्रग्स है, लेकिन ये बात याद रखे, ये तफ्तीश का हिस्सा है अब्दुल्ला साहब, नहीं असली चीज उन्होंने मालूम करना है। अंजलि जी, अंजलि जी, मैं बताना चाहूंगी 65 डेज उन्होंने कैसे ये मालूम करना है, असल चीज ये है, असल चीज ये है। कैसे अच्छा चिल्लाओ मत, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं बॉम्बे पुलिस वाला नहीं हूँ, इस पर चुप हो जाओ, बड़बड़ चुप हो जाओ, एक मिनट शांत हो जाओ बेटा, मानसी शांत हो जाओ, तनेजा मैडम शांत हो जाओ, मुन्नी शांत हो जाओ, मेरी बहन शांत हो जाओ, मेरी बहन शांत हो जाओ, मेरी बेटी, मेरी बेटी की तरह हो, शांत हो जाओ, सुन ली बात, आपकी बात सुन ली, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने की, आपने एक बार पहले भी नहीं किया था मेरे साथ, सारा शाह सलीम सारा शाह सलीम, ये सच है जो नासिर कहना चाह रहे हैं, मुझे पता है वो रोज बैठते हैं और यही बात समझाते हैं कि अलग अलग एंगल्स पर मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, क्योंकि नेपोटिज्म के बारे में किसी ने जिक्र कर दिया, कंगना रनौत ने, तो वो नेपोटिज्म का एंगल देखने लगे उसके बाद। और व्हाट्सएप चैट तो पहला लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, जो भी मोबाइल पे आपके इन्फॉर्मेशन मिलता है, वहां से इस ड्रग रैकेट तक जाने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर क्या वजह थी कि ये सब कुछ सुशांत के साथ हुआ। देखिए क्या है, जो भी पहली बात है, जो भी ड्रग्स को कंज्यूम करता है या बेचता है, ये लीगल ऑफेंस है। तो जो भी ये रैकेट चला रहा है या इस तरह के और भी रैकेट्स हैं, तो ये बहुत स्ट्रिक्ट इस पे विजिल रखनी चाहिए। और मैं एक बात को फिर से दोहरा रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि बॉलीवुड में ही ये ड्रग्स चलते हैं, बहुत लोग हैं जो लेते हैं ड्रग्स, उनकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए। पंजाब का हालात देख लीजिए, पंजाब में भी पूरे भरे हुए हैं बच्चे, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट, पंजाब में भी जाके इंक्वायरी कराइए। लेकिन अभी फिलहाल सर नासिर साहब, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, मुंबई पुलिस चीफ को जरूर बताइएगा, तो मुंबई पुलिस कमिश्नर को अभी फोन कीजिएगा,
मुद्दे हैं उन पे हम लोग जो है करती हैं। पुलिस वाला मैं नौकर बैठा हूँ यहाँ पे, पुलिस वालों का ये सब ये भेज दीजिएगा वो भेज दीजिएगा, क्यों इन्फॉर्मेशन देने में नौकर बनना क्या हो जाता है? आप तो बात भी नहीं करने देते, आप लोग ऐसे बदतमीज लोग आपके आपके चैनल पे बैठे हैं, अपना मॉडल बैठी है जैसे कि वो मतलब ये सुशांत के घर में रहते हैं। एक मॉडल का मजाक क्यों उड़ाएंगे इस तरह की भाषा में बोले नासिर साहब, बहुत ही मजाक आपको उड़ा रहा हूँ। आप किसी को बोलने नहीं देती, हमेशा बीच में बोल देती हैं जैसे कि आपको सब कुछ मालूम है। योर अनाइंट आपका काम है, मेरे विचार सुनना आपका काम है, मेरा ओपिनियन सुनना। ये नासिर साहब सायरा शाह हलीम नहीं बोलेंगी क्या? नहीं आया ना ये जो मतलब सिर्फ नासिर अब्दुल्ला ही बोलेंगे क्या? नासिर जी इतना गुस्सा ठीक नहीं है, सायरा जी को भी बोलने दीजिए। सायरा शाह हलीम की बात पे अभी आप ताली बजा रहे थे। मिस्टर अब्दुल्ला अभी आप सायरा जी की बात पे ताली बजा रहे थे, अब नहा की इतना गुस्सा दिखा रहे हैं। ठीक है सायरा जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर प्रेम शुक्ला जी से जवाब कह रही हूँ कि जो भी पहली बात है ये कानूनी जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है अगर कोई ड्रग्स बेच रहा है या कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। लेकिन बॉलीवुड को बदनाम नहीं करते, बॉलीवुड के अलावा कॉलेजों में और बहुत से लोग हैं जो लेते हैं ड्रग्स, इसकी भी कार्रवाई करिए। लेकिन अभी फिलहाल जो गंभीर मुद्दे हैं देश के सामने वो है इंडिया की जीडीपी, उस पर बहस नहीं हो रही। चाइना घुस के आ रहा है इंडिया में, कल ही की थी मैम एक घंटे की बहस, 6-7 चाइना घुस रहा है उस पे डिबेट नहीं हो रही, कल ही एक घंटे बहस की थी। आप लगता है सेलेक्टिवली टीवी देखती हैं, जनता को गुमराह मत करिए। जो बीते दिन भी हमने 6-7 एक घंटे बहस की थी, सुधांशु त्रिवेदी सुप्रिया श्रीजाती दोनों पार्टी के नेता थे। आप आज तक टीम को लेकर जाइए पंजाब में, देखिए पंजाब के क्या हालात है। आप पंजाब के ड्रग्स पर भी बहुत स्टोरी चलाई हमने, आधे आधे घंटे के स्पेशल बनाए हैं, आधे आधे घंटे के स्पेशल बनाए हैं। आप सिलेक्टिव रिपोर्ट कार्ड मत निकालिए, सिलेक्टिव रिपोर्ट कार्ड मत निकालिए। प्रेम शुक्ला जी सिर्फ महाराष्ट्र सरकार पर वार करना है, इसलिए आप लोग अब इस सुशांत सिंह राजपूत के केस के जरिए महाराष्ट्र सरकार पर हमला कर रहे हैं, वरना ड्रग्स का ये की समस्या तो पूरे देश में है, फिर उसकी भी जवाबदेही प्रेम शुक्ला जी देनी चाहिए आप लोगों को और लेनी चाहिए। मिस्टर शुक्ला आपको कार्रवाई करने में भी सायरा हलीम को खराब लग रहा है ना, कार्रवाई करिए। बॉलीवुड या बॉलीवुड और ड्रग्स का क्या मामला है? मैं तो कह रही हूँ पंजाब जाइए ना, जो गढ़ है एकदम ड्रग्स का, उसका तो आप कोई इंक्वायरी कराएंगे नहीं, और जहां जहां अलग अलग कॉलेजों में जो बच्चे लोग जो ड्रग्स कंज्यूम करे वहां इंक्वायरी नहीं करेगा कौन पेडलर है और कौन ड्रग्स सप्लाई करता है? आप जड़ से उखाड़िए ना ड्रग्स की प्रॉब्लम को। ठीक है ममता काले जी इसका जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला जी का फ्रीज कर गया है। ममता काले जी जवाब दीजिए, वो कह रही है कि सिर्फ बॉलीवुड को और महाराष्ट्र सरकार पर टारगेट करने के लिए आप लोग इस मामले के जरिए पूरा मामला उठा रहे हैं, वरना ड्रग्स की समस्या तो पूरे देश में है। ममता काले जी, अंजना जी पहले तो देर से जुड़ने के लिए माफी चाहती हूँ। दूसरी बात, अब जो विषय है उस पर बात हो रही है, ड्रग्स का नारकोटिक्स का जो एंगल निकला है जो सुशांत की रहस्यमय मौत के बाद निकला है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई छुपा हुआ छुपी हुई बात नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है बॉलीवुड का कि यहाँ पे ड्रग्स सेक्स धोखा रेप पार्टीज ये होती चली आई है। लेकिन ये जो हत्या है इसने ऐसा मोड़ ले लिया जब रिया और उसके भाई के ड्रग पैडलर्स के साथ जिस तरीके के संबंध निकल के आ रहे हैं तो साफ जाहिर है कि वो भी ड्रग पैडलिंग में भी सम्मिलित थे और वो ड्रग्स लेते भी थे। उस नाते ये विषय निकल करके आया है, किसी ने ये विषय उठाया नहीं है। ये बॉलीवुड का गंदा सच है, फटा पोस्टर और निकली इनकी गंदी सच्चाई, जो गंदा है पर इनका धंधा है अंजना, तो वो सच्चाई अगर निकल के आ रही है, सच्चाई उसको सफाई करने की बात की जा रही है, तो कुछ लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है ये मुझे समझ में नहीं आता। नासिर साहब दूसरी बात, ठीक है बात पूरी कर लीजिए फिर नासिर साहब जवाब देंगे। हाँ पूरी कर लीजिए जी। दूसरी बात ये है कि ये उड़ता पंजाब की बात करते हैं अंजना जी, मैं इनसे कहती हूँ ये उड़ता पंजाब बनाने वाले लोगों से कि उड़ते बॉलीवुड के बारे में क्यों बात नहीं करते, एक उड़ता बॉलीवुड भी बना दो, उड़ता नशे में धुत गिरा हुआ पड़ा हुआ बॉलीवुड। और बॉलीवुड के बारे में आज बात करनी इसलिए जरूरी है कि ये सच बात है, हमारा जो यूथ है, हमारे बहुत लोग हैं, बहुत सारे मिडिल एज लोग भी जो है वो हमारे जो ये हीरोज हैं स्लो कॉल्ड, जिनको मैं हीरोज नहीं बोलती, वो एक्टर्स हैं एंटरटेनर्स हैं, उनको आइडियलाइज करते हैं, उनको लगता है कि जैसा वो करते हैं वैसे हमें भी करना चाहिए। यू नो ओसो क्लासी वाला, ओसो मतलब ट्रेंडी वाला जो रहता है वो एटीट्यूड हमारे बच्चे इन लोगों से उठाते हैं अंजना, और मिडिल क्लास के उठाते हैं, छोटे शहरों के उठाते हैं, बड़े शहरों के उठाते हैं। तो ये लोग
जो बड़े सुनहरे पर्दे पर अपनी दूसरा रूप दिखाते हैं उनका जब रूप सामने आ रहा है, उनका चेहरा सामने आ रहा है, उसकी सफाई करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बारी बारी से बोलिएगा नासिर साहब, डिबेट करनी जरूरी है। ठीक है, ओके, गॉट इट। ओके, दो बातें बड़ी जरूरी हैं मेरे कहने की, और अंजना जी अगर हो सके तो अपने आप को कंट्रोल कर लीजिएगा, 30 सेकंड लगेंगे। पहली बात यह कि आपके चैनल पे इंडिया टुडे पे राजदीप के सामने ये आई थी और इन्होंने अपना पहलू दिया था कि ये हुआ, और उनको हक बनता है बाय लॉ, बाय कानून उनको हक बनता है, उसके ऊपर भी इनके ऊपर इतने इल्जाम है, कुछ हद नहीं। दूसरी बात यह, जब ये 8 घंटे CBI के ऑफिस में बैठ के सारे जवाब दे करके अपने घर आती हैं, तो 150 लोग वहां पे मीडिया वाले इनको घर में नहीं घुसने देते और उल्टे सीधे सवाल दूसरे ड्रग्स का ये वो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस औरत को हक बनता है। मैं इसके समर्थन में नहीं बोल रहा, मैं कानून के समर्थन में बोल रहा हूं कि अगर एक औरत 8 घंटे CBI के और वो जेल में नहीं है, 8 घंटे बैठ के आई है, सारे सवाल के उनको जवाब देके फिर क्यों पूछ रहा बार बार? तो मैं पूछ रहा है मीडिया वालों को, तो CBI वालों से पूछो, उसको घर नहीं जाने दे रहा है आराम से सोने के लिए, कितनी बुरी बात है ये। जो ऐसे गीदड़ों की तरह चीर फाड़ रहे हैं, गलत बात है, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, हमेशा याद रखिएगा, लेकिन गलत बात गलत होती है। मेरी भी दो बहने हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये औरत जो भी है, अभी तक इसके ऊपर कोई ऐसा इल्जाम नहीं आया, इल्जाम आया है इसकी फैमिली से। तो जब तक CBI वाले इस ये के नतीजे पे ना पहुंच जाए कि ये एक्चुअली मुजरिम है, इसने हेरा फेरी की है, इसने चोरी की है, ड्रग के जरिए अपने अपने बॉयफ्रेंड को मरवाया है, तब तक शी इज नॉट अ मुजरिम, ये मतलब एक मुजरिम नहीं है, इसका हक बनता है। तो ये दो बातें बड़ी जरूरी नासिर साहब, मुझे और मानवी तनेजा को दिखाइए। लेकिन नासिर साहब, आपने कहा था कंट्रोल कीजिएगा, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब मेरा एक सवाल ध्यान से सुनिएगा, पूरी गंभीरता के साथ, और उसका जवाब दीजिएगा। आपको इस बात से बहुत तकलीफ है कि रिया को लेकर ड्रग्स पर सवाल दागे जा रहे हैं, व्हाट्सएप चैट पर रुके असल तकलीफ, नो, असल तकलीफ मुझे ये है कि उसको आप कंट्रोल कीजिए, अब आप कंट्रोल कीजिए और मेरा सवाल सुनिए, अब आप कंट्रोल कीजिए और मेरा सवाल सुनिए, धीरज रखिए सवाल सुनने का। आपने मुझे कहा ना, मुझे इस बात तो मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब रिया चक्रवर्ती ने लाइव इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत पर यह आरोप लगा दिया, तो सुशांत सिंह राजपूत आज जाने के बाद इस दुनिया से अपने आप को डिफेंड करने के लिए कैसे आ सकता है? आरोप कौन सा? क्या सुशांत सिंह राजपूत अपने आप को डिफेंड कर सकता कौन है? कौन सा आरोप था बताइए? नहीं, उन्होंने कहा कि वो ड्रग्स लेते थे, वो पीते थे, उन्होंने कहा कि वो ड्रग्स लेते थे, वो केदारनाथ के पहले से ड्रग्स लेते थे, कौन से ड्रग्स? अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा? ठीक है, अगर ये झूठ है तो मालूम हो जाएगा, तो अगर ये झूठ है तो कौन बताएगा? कौन सी बड़ी बात है? अगर उसने कह दिया तो क्या करेगा? अगर ये सच हुआ, अगर ये सच हुआ तो क्या करोगे तुम? अगर ये सच हुआ तो क्या करेंगे? अगर ये सच हुआ तो क्या करेंगे? आप तो CID की औरत है, आप तो CBI के साथ है, एक सेकंड मान लीजिए, अपना महक मान लीजिए, एक सेकंड पर मान लीजिए, ये सच है तो क्या करेंगे? मान लीजिए, सुशांत के बॉडीगार्ड ने भी कहा है कि वो लेके, सेकंड रुक जाइए, सुशांत के बॉडीगार्ड ने कहा है आपके पास, लेकिन नासिर साहब, मेरा सवाल समझिए, देखिए इस पर चीखने चिल्लाने से नाटकीय अंदाज में कुछ नहीं होगा, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसकी गंभीरता को समझिए। जब रिया ने खुलकर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये सब कह दिया और कहा शायद वो केदारनाथ के पहले से लेते थे, क्या सुशांत सिंह राजपूत अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे? क्या ये उनकी लेगेसी के साथ नहीं, उनके ये काम के साथ, प्लीज आप मेरा सवाल सुनिए, क्या उनकी लेगेसी के साथ के जज के ये नाइंसाफी नहीं है? हो सकता है कि CBI के सपने में आ जाए कि हाँ मैं अपने आप को आपके लिए एक्चुअली ये मजाक का विषय है, मेरे से बेकार सवाल मत पूछिए, ये बेकार सवाल नहीं है, आपको पता है ये बेकार सवाल नहीं है, आपकी बात दे चुकी है, रोशन बिंदल रोशन बिंदल एक सवाल सिर्फ मैंने आपसे पूछा कि आप एक एक्टर की पूरी लेगेसी को इस तरह से मलाइन करते हैं, सुशांत सिंह अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं?
ये रिया का वर्जन हो सकता है। बिल्कुल बेकार सवाल तू पूछ रही है, ये बिल्कुल बेकार सवाल नहीं है। उनकी लेगेसी को मलाइन किया जा रहा है। ये सवाल ममता काले, ये सवाल ममता काले से पूछिए, ये महक से पूछिए, ये तो मॉडल है बेटी, और उसे पूछिए, मेरे से क्यों आपके आपके नाटक करने से कुछ नहीं होगा। रोशन बिंदर सवाल मेरे से मत पूछिए, रोशन बिंदर को इसका जवाब मालूम है तो बेकार। आप रोशन बिंदर अपना वक्त साया कर रही हो, गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया आपका आपका काफी आपका हो गया नाटक। रोशन बिंदर तो पूछो, रोशन बिंदर को दिखाइए, उनको हटाइए, रोशन बिंदर को दिखाइए। He's talking about totally nonsense. रोशन बिंदर जो ये साबित की, जो ये कहती है दुनिया को कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं उससे प्यार करती थी, रोशन बिंदर जवाब दे रही हूँ, वो सबसे अच्छा इंसान है और उससे बदनाम कर रही है इस तरह से, और अब जब वो अपनी सफाई देने के लिए मौजूद नहीं है, अब ये साबित होता है कि कितनी घटिया लड़की है ये, और कितनी बहुत घटिया लड़की है, बहुत घटिया लड़की है, लेकिन आपको हक नहीं बनता उस पर हमला करने का। पुलिस वाले डिसाइड करेंगे, सीबीआई क्योंकि आप आखिर जी रिया के ऑफिशियल के आप कौन हो, रिया को डिफेंड नहीं करना है, कुछ भी होगा रिया को डिफेंड नहीं करोगे, उसकी वकालत कर रहे हो। टीवी पे जितना नाच लो, टीवी पे जितना भारत नाट्यम कर लो, आप जितना भारत नाट्यम कर लो, रिया को कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली सीबीआई वाले मालूम करेंगे और फिर कोर्ट केस होगा, फिर उसको मुजरिम करार दिया जाएगा या नहीं, ये मालूम हो जाएगा, सब कुछ मालूम हो जाएगा, सब कुछ मालूम हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है। क्यों बड़बड़ा रही है, क्यों बड़बड़ा रही है, तब मुझे पूरा यकीन है कि सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। डॉक्टर रामन लांबा को दिखाइए, डॉक्टर रामन लांबा, डॉक्टर रामन लांबा, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को देश में जो बाकी लोग हैं उसकी तरह आप भी फॉलो कर रही होंगी। एक डॉक्टर को इसीलिए आज हमने इस शो पर इनवाइट किया था क्योंकि ये चिल्ला चिल्ली अलग बात है, लेकिन क्या आपने खुद ही कहा कि अगर एक तरफ वो मेंटल डिजीज के भी दवाइयां ले रहे थे और दूसरी तरफ इस तरह से ड्रग्स भी शौविक चक्रवर्ती अरेंज कर रहे थे या कोई कर रहा था, तो ये उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। अब ऐसे में ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, आपने खुद ही कहा कि क्या ये एक प्लान के तहत किया जा रहा था, ये सवाल तो आएगा ही ना। एब्सोल्युटली यस, एंड मैं बहुत सहमत हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे किसी ने कहा दैट हम अपने बॉलीवुड को आइडियलाइज करते हैं। मेरे पास जितने भी यूथ आते हैं, आउट ऑफ 10 यूथ और द यंग एडल्ट्स दैट कम टू मी, एटलीस्ट 9 बच्चे अंडर ड्रग्स है आज की डेट में। तो ये एक बहुत ही सीरियस एपिडेमिक है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। एंड मैं ये जनरलाइज नहीं कर रही हूँ कि बॉलीवुड में सब लोग ड्रग्स लेते हैं, बट डेफिनेटली एज आर हीरोज, एज जो यंग जनरेशन है, दे लुक अप टू देम। तो ये मामला बहुत ही सीरियस है, इस अगर हमको रूट से इसको निकालना पड़ेगा, जड़ों से एड्रेस करना पड़ेगा फॉर द यूथ ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडियाज फ्यूचर। ये बहुत ही एक सीरियस इश्यू है और बॉलीवुड से इसका एक रेवोल्यूशन, एक बदलाव आ सकता है। तो इसलिए इस चीज को एड्रेस करना बहुत मैंडेटरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग बॉलीवुड में ड्रग्स लेते हैं, बट डेफिनेटली बहुत सारा वहां पे जो ड्रग्स का हलचल चल रहा है वो एड्रेस करना बहुत जरूरी है। मे बी ये जो केस आया है रिया चक्रवर्ती का और सुशांत सिंह राजपूत का, एक एक अपॉर्चुनिटी बन गया है टू एड्रेस दिस ड्रग इश्यू फ्रॉम द कोर ऑफ इट। तो इट इज लाइक एन इन्विटेशन फॉर द फ्यूचर, बिकॉज आज अगर हम लोग चुप करके बैठेंगे और हम कुछ भी इसके बारे में नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए डेंजर में डाल रहे हैं। वी आर पुटिंग इंडिया एंड द यूथ इन डेंजर। बिल्कुल, एक बार मैं ममता काले के पास अब जाना चाहती हूँ। ममता काले, देखिए अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहनों को 2013 में भी उनकी मानसिक परेशानी के बारे में जानकारी थी और उसके बाद भी जो उन्होंने मुंबई पुलिस को बयान दिया है वो बड़ी ब्रेकिंग एक बार दिखाइए ताकि उस पर हम लोग बातचीत कर जाए। 8 जून की शाम 5:30 बजे सुशांत के घर आई थी, ये सब कुछ वो मुंबई पुलिस को अपने बयान में दे रही हैं। अब इस जानकारी की रोशनी में क्या समझ में आता है, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं था कि फैमिली को उनके मेंटल एलिमेंट के बारे में कुछ पता था या नहीं था, लेकिन अब तो फैमिली का ये बयान मुंबई पुलिस का सामने आया है। ममता काले, जो व्हाट्सएप की जो चैट उनकी बड़ी बहन की नीतू जिनका नाम है जो दिखाई गई है सुप्रीम मोदी के साथ, उसपे जो 2 लाइंस थी उनको जो पढ़ा था जिसमें उन्होंने लिखा था, एक में वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो उनको फॉरवर्ड की जाए और दूसरा वो चाहती थी कि वो उनके डॉक्टर से मिले,
तो इससे कहीं पर मेरे हिसाब से मैं अपने परसेप्शन से बोल रही हूँ कि कहीं पर ऐसे एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है कि तब उनको ये पता था कि वो किसी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे थे या उनको बाइपोलर है या स्किज़ोफ्रेनिक है। इंस्टेंट ये लगता है कि उनको ये पिछले जब बताया गया तो उन्होंने अपनी एक प्रोएक्टिव अप्रोच एज अ सिस्टर एज अ कंसर्न पर्सन एज अ फैमिली पर्सन उन्होंने दिखाई और वो चाहती थी कि वो प्रिस्क्रिप्शन उनके पास आए, वो समझे कि उनको वो बीमारी है कि नहीं है, किस लेवल की है, और वो डॉक्टर से मिलना चाहती थी। तो ये एस्टैब्लिश अभी इन चीजों से नहीं हो पा रहा है। आई मीन लाइक मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ क्योंकि यही दो चीजें निकल करके आई है, जो उनकी बहन की जो चैट है वो ये दो लाइन है। तो ये दो लाइन से मुझे ये समझ में आता है कि नहीं, वो जो अगर वो उन लोगों के दिमाग में ये पैडल करना चाह रहे थे कि सुशांत को बाइपोलर है, वो स्किज़ोफ्रेनिक है, तो वो उसकी छानबीन करना चाह रहे थे। दूसरी बात, अभी नसीर साहब और बाकी कुछ लोग जिस तरीके से रिया के बारे में उसको डिफेंड कर रहे थे, अंजना आई कंप्लीटली अग्री एंड थैंक यू सो मच जो आपने बात बोली कि आज वो लड़का इस दुनिया में अपने को डिफेंड करने के लिए नहीं है। तुमने उसको डिप्रेस्ड बोल दिया, बाइपोलर बोला, स्किज़ोफ्रेनिक बोल दिया, सारी चीजें बोल दी, उसमें फिर दो चीजें और जोड़ दी कि वो उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया था। क्लॉस्ट्रोफोबिया उस लड़के को जो कमर्शियल लाइसेंस लेना चाहता था, जो मतलब सिमुलेटर उड़ाता था, जो जहाज में जो उड़ चुका था और जो नेगेटिव जीज इतने खींचता था कि उसके बाद भी वो उसको उल्टियां नहीं होती थी, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कैसे हो सकता है। उसके बाद तुमने अपना सारा जो ये ड्रग का गंदा धंधा है जो तुम्हारे परिवार के खिलाफ निकल करके आ रहा है, बड़ी आसानी से तुमने वो लड़का जो दुनिया से चला गया, मर गया, उसके सर पे थूक करके रख दिया। आप देख रहे थे कैसे ड्रग्स कनेक्शन को लेकर शिकंजा कस रहा है रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती पर, और इसी पर आज हम कर रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक।